हेलो फ्रेंड्स अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल आई एम पूनम दुआ एंड आई होप कि आप सबकी प्रेपरेशन्स अच्छी चल रही हैं प्लेलिस्ट की हेल्प से आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं और एमसीक्यूज के लिए भी अपीयर कर रहे हैं एमसीक्यूज में मुझे आप लोगों के स्कोर्स पता चलते रहते हैं स्कोर्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए बार बार वीडियोस देखिए स्कोर को 100 परसेंट लाने की कोशिश करिए तभी तो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी देखिए आप सबकी हेल्प के लिए पोइट्री शॉर्ट स्टोरी प्ले नॉवल ऐसे इन सभी की प्ले लिस्ट्स हैं इन्हीं प्ले में सभी रिलेटेड टॉपिक्स की एम सी क्यू प्रैक्टिस भी है इतनी प्रैक्टिस आपको दी जा रही है एट एनी कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ यू यू कैन डू इट किसी भी वक्त कर सकते हैं कोई लाइव सेशन नहीं है किसी भी वक्त किसी भी वीडियो को देखिए लेकिन कॉमेंट्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए सभी एम सी क्यू वीडियोज़ में तभी तो मुझे पता चलता रहेगा कैसी जा रही है आपकी परफॉर्मेंस और मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिए राइटर पर भी दीजिए क्या लिखा गया है उसकी स्टोरी उसका पब्लिकेशन यह तो हमें पता होना ही चाहिए उसके साथ ही साथ राइटर के बारे में भी बहुत कुछ पता होना चाहिए तो फ्रेंक ओकॉनर इन राइटर के बारे में जानते हैं ही वॉज इन आयरिश ऑथर सबसे पहली चीज यही है इनके बारे में जानने की जो कि एक क्वेश्चन आ सकता है इनका बर्थ हीयर और डेथ हीयर ये क्वेश्चन हो सकता है ही रोड पोइट्री ड्रमैटिक वर्क मेमोर जर्नलिस्टिक कॉलम्स आन फीचर्स एंड आस्पेक्ट ऑफ आयरिश कल्चर एंड हिस्ट्री क्रिटिसिज्म लॉन्ग एंड शॉर्ट फिक्शन बायोग्राफी एंड ट्रेवल बुक्स कितना कुछ कितनी अलग अलग जॉनराज पर इन्होंने लिखा है अब देखिए कौन से थिएटर से ये जुड़े हुए थे वही थिएटर जिनका रिवाइवल किया था डब्ल्यू बीच ने इन 1935 ओकोनर बिकेम अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एबी थिएटर इन डब्लिन प्लेस का नाम आ सकता है डब्लिन विच इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड एबी थिएटर बहुत ही प्रोमिनेंट थिएटर है आयरलैंड का और इसको रिवाइव किया था डब्ल्यू बी ईट्स जैसे बहुत ही पॉपुलर पोएट ने फाउंडेड बाय एंड अदर मेंबर्स ऑफ आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी बाईसिश के लिखे और पब्लिश किए हुए कुछ बाकी वर्क्स को भी आप लोग जरूर याद करिए दिस इज मोस्ट फेमस वन गेस्ट ऑफ द नेशन 1931 लोनली वॉइस 1962 क्रैब एप्पल जेली 1944 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है ये एन ऑनली चाइल्डीज ऑफ फ्रेंकर नाइनटीन फिफ्टी टू द बिग फेलो नाइनटीन थर्टी सेवन इनमें से भी किसी भी वर्क की ऑथरशिप के बारे में आपको एम सी क्यू आ सकता है स्टोरी को पहले थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि है क्या हमारी स्टोरी में उसके बाद डिटेल्स कवर करने में हमें आसानी हो जाएगी और डिटेल्स कवर करना बहुत जरूरी है एमसी क्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरलैंड की स्टोरी की सेटिंग कहाँ की है? ये क्वेश्चन हो सकता है अ बॉय ऑफ इज़ द मैन इन द हाउस एंड टेल्स कफिंग मदर टू गेट बैक टू बेड वन मॉर्निंग उनकी मदर को एक बार बहुत खांसी आ रही होती है अपनी मदर को कहते हैं कि आप आराम करिए आई ब्रिंग यू द ब्रेकफस्ट एंड ही मैनेजेस वेरी वेल इन डीड प्रिपेयरिंग फूड एंड डूइंग द शॉपिंग द नेक्स्ट डे Since his mother is no better, the doctor is called. Doctor को बुलाया जाता है Doctor एक medicine prescribe करता है which must be gotten at a dispensary some distance away. थोड़ी दूर पर एक dispensary है दवाखाना है वहां से दवाई लेकर आनी है The boy, the boy goes for it and he meets a small girl there who talks to him and asks for a sip of the medicine. कि medicine खांसी की दवाई बड़ी मीठी tasty होती है एक sip लें क्या Together they drink it all. बच्चे अपनी मस्ती में धीरे धीरे करके दवाई पी जाते हैं ही इज ड्रेडफुली अपसेट पूरी दवाई खाली करने के बाद उन्हें याद आता है कि ये तो मदर के लिए लेकर जानी थी और बहुत अपसेट फील करते हैं एंड स्लिप्स इन टू चर्च टू प्रे फॉर अ मेरेकल एंड फॉरगिवनेस चर्च में जाते हैं प्रे करते हैं गॉड से कि, कि किसी तरीके से कोई मेरेकल हो जाए दवाई वापस आ जाए ही क्राइज एंड इज इल वेन ही गेट्स होम बट इज मदर नहीं थी. He to take care of me इतनी, दो दिन से, इतने अच्छे से मेरी देखभाल कर रहा है थोड़ी सी शरारत कर भी ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे की मदर उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है ये शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले पब्लिश हुई थी नाइनटीन के न्यूयॉर्कर के एडिशन में और उसके बाद और भी कलेक्शंस में पब्लिश हुई है मोर शॉर्ट स्टोरीज बाई फ्रेंक कॉर्नर नाइनटीन सैंपल्स 1951 में ट्रेवलर सैम्पल्स में सबसे पहले कहाँ और कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई थी दैट कैन बी ए क्वेश्चन योर आंसर शुड बी द न्यूयॉर्क सबसे पहली बात तो ये है कि स्टोरी फोर्स्ट पर्सन में है हमारे

उनका बच्चा बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही अच्छे दिल का है और मदर उससे बहुत प्यार करती है स्टोरी की शुरुआत होती खांसी की आवाज के साथ मदर बहुत खांसी कर रही है बच्चा उठ जाता है खांसी की आवाज़ सुनकर और नीचे आकर देखता है कि मदर तो बहुत ही खराब कंडीशन में है चाय बनाने की कोशिश कर रही थी किचन में लेकिन स्मोक जो बाहर आ रहा था वेट आ, स्टिक्स की वजह से उसने खांसी को और बुरा कर दिया बच्चा बहुत ही चिंता में आ जाता है द वॉरिड सन इमीडिएटली टेक्स चार्ज ऑफ एवरीथिंग कि सब कुछ मैं करूंगा आप जाकर आराम करिए एंड ही स्टॉप्स मदर फ्रॉम डूइंग एनी वर्क एंड मेक्स इन द बेड तो बच्चा बहुत ही प्यारा बहुत ही सिस्टमेटिक है चाय बनाता है और ब्रेकफास्ट बनाता है उसके बाद अपनी मदर के पास आ जाता है कि अब मुझे बता दीजिए मार्केट से क्या क्या सामान लाना है मैं वो भी लेकर आऊंगा तो एक शॉपिंग लिस्ट भी बनाता है अगले दिन तक भी मादर की खांसी बिल्कुल ठीक नहीं होती है तो सिलिवन बहुत ही ड्यूटिफुल है और एक डॉक्टर को कॉल करते हैं केयरिंग सिलिवन इज वेरी मच वॉरिड एंड वॉन्ट्स टू कॉल अ डॉक्टर फॉर his mother, बट his uh, mother declines his wish. उनको लगता है कि डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे हो जाऊंगी ठीक up the frightened son, the affectionate mother tries to pretend कि ठीक है ठीक है मैं ठीक हो गई हूँ पहले से थोड़ी ठीक हूँ किसी नेबर को बुला लो बस दैट विल भी फाइन तो बच्चा अपनी नेबर को बुलाकर लाता है जिनका नाम है मिस मिनी रायन उनकी कंडीशन देखती है पड़ोसी आकर तो कहती है कि ऐसा ना हो कि कहीं न्यूमोनिया हो शी give his टू गिव hot whiskey सम हॉट विस्की मिक्सड of ऑफ लेमन टू her. तो हॉट विस्की देने की सलाह देती हैं उनकी नेबर mixed विद सम lemon. तो अब Sullivan का काम है कि जाकर भी लेकर आना कैन यू इमेजिन एक दस साल का बच्चा है वाइन शॉप से जाकर विस्की लेकर आएगा सिलिमन बहुत ही डिटर्मेंट है ही गोज टू द पब्लिक हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स टू गेट विस्की एंड ऑल दो ही इज वेरी मच ही डज नॉट लूज एनी काइंड ऑफ करेज एंड ओवर काम से फियर्स अपने सारे डर पर काबू पा लेते हैं विस्की काम नहीं करती है पूरी रात सुलिवन बहुत डिप्रेस रहते हैं सो नहीं पाते हैं और मदर की कफिंग टेरिबल होती जा रही है शी कीप्स ऑन रैम्बलिंग बैडली वाइल्ड टॉकिंग यहाँ वहाँ करवटें बदलती रहती हैं पूरी रात एंड इन द मॉर्निंग सुलिवन इज वेरी मच ट्रबल्ड एंड ही हेडसअप टू कॉल दी डॉक्टर फ्रॉम अ डिस्टेंट डिस्पेंसरी बच्चा बहुत ही ऑर्गेनाइज है उसको लगता है कि घर को अगर साफ सुथरा रखूंगा बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करके रखूंगा तो वो भी अच्छा रहेगा मेरी मदर की हेल्प के लिए द ऑर्गेनाइज बॉय टाइडीज द हाउस एंड कीप्स रेडी द बेसिन ऑफ वाटर सोप एंड क्लीन टू फॉर द डॉक्टर डॉक्टर के लिए भी सब कुछ तैयार रखते हैं मच टू देयर रिलीफ द डॉक्टर डजेंट एडवाइस हॉस्पिटलाइजिंग एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजिंग एडवाइस नहीं करते और एक कफ सिरप प्रिस्क्राइब कर देते हैं अब बच्चे के लिए एक और जॉब है कफ सिरप लेकर आना द पुअर बॉय सेट्स ऑफ द बॉटल टू गेट द मेडिसिन पुराने टाइम में इसी तरीके से दवाइयां मिला करती थी दवाइयों के लिए बॉटल अपने आप लेकर जानी पड़ती थी घर से जैसी आजकल पैक्ड हैं ऐसी नहीं हुआ करती थी तो बच्चे का अब काम है दवाई लेकर आना सो so, सुलिवन uh, बहुत ही सिंसेर है और बहुत ही कंसर्न है और डॉक्टर भी उन्हें प्रेज करते हैं उनकी मदर भी उनकी नेबर भी एंड ही

चर्च में कैंडल लिट करने के लिए यूज करूंगा जैसे हम लोग कोई मन्नत मांगते हैं उसी तरीके से वो एक मन्नत मांगते हैं कि मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो तो मैं चर्च में कैंडल जलाऊंगा अब डिस्पेंसरी पर उन्हें एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसका नाम है डूली ये नाम आपके एमसीक्यूज में आ सकता है एट द डिस्पेंसरी लिटिल गर्ल डूली मेडिसिन फॉर हर सिस्टर डूली किसके लिए मेडिसिन लेने आई है न बी अ क्वेश्चन डूली अपनी सिस्टर के लिए मेडिसिन लेने आई है ये फैक्ट आपको याद रखना है ये गर्ल बहुत क्लेवर uh, है टॉकटिव है लेकिन नोटी है और ऐसा नहीं है कि बुरे दिल की सिलिवन उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं ऑल दो बहुत ही टेरिबल टाइम चल रहा है लेकिन एक बच्चे को दूसरा बच्चा मिल जाता है अपनी एज का तो थोड़ी देर के लिए वो अपना दुख भूल जाते हैं अब वापिस आते हुए सिलिवन के पास जो एक पेनी बचती है उससे वो मिठाई खरीद लेते हैं और दोनों ही बच्चे मिठाई को इंजॉय करते हैं डूली थोड़ी सी कनिंग है एंड शी इंसाइड सिलेवन टू टेस्ट द स्वीट काफ सिरप फॉर हिज मादर वो कहती है कि तुम्हें मालूम है काफ सिरप बड़ा ही टेस्टी होता है थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन टेम्पटेशन uh, में आ जाता है एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट एंजॉइंग दैट काफ सिरप और धीरे 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 करके रियलाइज होता है कि पूरी मेडिसिन बॉटल को ही उन्होंने कंज्यूम कर लिया है और सुलिवन को फिर अपनी गलती का एहसास होता है ही बिगिन टू पैनिक एंड कैन स्टार्ट्राइंग और डूली उनको मिसलीड करती हैं कि घर पर जाकर कुछ छूट बोल देना कि बॉटल का ढक्कन टूट गया था या बॉटल टूट गई थी समथिंग लाइक दैट सो मेकअप समलाय एंड यू विल बी सेव्ड अब सुलिवन बहुत पैनिक है और चर्च में प्रे करने के लिए जाते हैं बहुत ही रिपेंटेंट बहुत ही पश्चाताप भरा दिल है उनका एट प्रेजेंट ही इज फुल ऑफ रिमोर्स एंड गिल्ट फीलिंग ही फियर्स दैट बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस हिज मदर वुड नॉट गेट वेल एंड पैनिक्ड ही प्रेज टू मर्जिन वेरी टू डू सम मेडिकल टू सेव हिज मदर ही गेट्स बैक होम टोटली ब्रोकन एंड टोटली शेटर्ड सिलिवन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो मदर उनकी बुरी कंडीशन को देखकर परेशान हो जाती है उनको हक करती हैं उनको कंसोल करती हैं बहुत ही पैशनेटली और सिलिवन भी कुछ नहीं छुपाते हैं सब कुछ कन्फेस कर देते हैं और मदर के लिए शायद ही बहुत बड़ी बात नहीं है शी शक ऑफ। द टायर्ड बॉय फॉल्स फास्ट स्लीप एंड हीशन ऑफ द मेडिसिन टू खांसी की दवाई में थोड़े थोड़ी नींद की दवाई के एलिमेंट भी होते हैं यही पर हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है सिलिवन को मैन ऑफ दाउस बताया गया द नेम ऑफ द स्टोरी इज मैन ऑफ द हाउस डिसन like well लेते हैं देखिए घर की सफाई करते हैं बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं चाय बनाते हैं शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं नेबर को बुलाते हैं विस्की भी लेकर आते हैं दवाई भी लेकर आते हैं लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है लास्ट में एक छोटी सी गलती हो जाती है उनसे लेकिन स्टिल वी विल कॉल हिम द मैन ऑफ दाउस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के द मैन ऑफ दाउस के एमसीक्यूज को कवर करेंगे तो मैन ऑफ द हाउस का वीडियो बहुत ही अच्छे से देखिए जिससे कि आप लोग मुझे बता सकें कि आपने हंड्रेड परसेंट स्कोर किया है दिस इज वट आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल द प्रिपरेशन